नेता आते थे, नेता के जो लोग हैं पार्टी से जुड़े हुए वो आते थे, उनसे पैसा लेते थे कि आपका राशन कार्ड बनवा देंगे, जॉब कार्ड बनवा देंगे, आपको गल्ला पर्ची जुड़वा देंगे, लेकिन पैसा लेने के बाद उनके पास कोई नहीं आता था। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। इस समय हम सुहागी में हैं, जहां पर हमारे साथ है आजाद हिंद फौज एनजीओ के कार्यकर्ता और उनके संस्थापक। जी सर, आप अपना सबसे पहले नाम बताइए। जी, मेरा नाम है आजाद निकेत मिश्रा, मैं यहीं पूर्वा मझगांव का रहने वाला हूं। तो सर, आपने आजाद हिंद फौज का एनजीओ चला रहा है, आपका उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा उद्देश्य समाज सेवा है, ठीक है। हम अभी समय पे कॉलेज कर रहे हैं। जब मैं 10वीं 12वीं में पढ़ता था तो मैं देखता था गांव की हमारे हालत जो रहती थी, जो गरीब परिवार हैं, असहाय लोग हैं, उनकी बहुत सारी परेशानियां रहती थी और उनके पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं रहता था। नेता आते थे, नेता के जो लोग हैं पार्टी से जुड़े हुए वो आते थे, उनसे पैसा लेते थे कि आपका राशन कार्ड बनवा देंगे, जॉब कार्ड बनवा देंगे, आपको गल्ला पर्ची जुड़वा देंगे, लेकिन पैसा लेने के बाद उनके पास कोई नहीं आता था और वो दर दर के ठोकरे खाते, कभी यहाँ जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, हर जगह घूमा करते थे और उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। तो इसी सबको देखते हुए हमने ये फैसला लिया कि हम आगे चल के कुछ ऐसा कार्य करें जिससे गरीब असहाय लोगों की मदद हो सके। और फिर हमने 12वीं के बाद मैं 2019 में 12वीं पास आउट हुआ हूँ और उसके बाद हमने 15 दिसंबर रविवार को संगठन की जो है स्थापना की थी। आपको इसके लिए प्रोत्साहन किसने किया, प्रेरित किसने किया? जी, वैसे तो हमें प्रेरित कोई नहीं किया था, हमने ये अपने माइंड में खुद ही सेटअप लाया था और सेटअप लाने के बाद जो भी हमारे कार्यकर्ता थे, संगठन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, सबके साथ हमने बैठ के ऐसी चर्चाएं की। गाँव में जैसे अपन बैठते हैं चौपाल लगती है, हम लोग बैठे चर्चा किए कि कुछ समाज सेवा किया जाए, लेकिन समाज सेवा में क्या है कि आप बिना किसी नाम या किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि अगर आप अकेले कहीं खड़े होंगे तो आपको गिरा दिया जाएगा, किसी न किसी माध्यम से वो गिरा देते हैं। तो इसलिए ये हुआ कि एक संगठन हम बनाते हैं और संगठन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि युवाओं के दिल में कुछ लगे कि हाँ ये कोई अच्छा संगठन है और लोगों के मन में भी लगे अच्छा कार्य हो रहा है, और इसलिए हमने संगठन का नाम चंद्रशेखर आजाद जी पे रखा था। नाम तो आपने बहुत अच्छा चुना है, और आप ये भी बता दीजिए कि आपका ये जो एनजीओ का स्थान है वो स्थान कहाँ पर है? देखिए, ये अभी हमारा स्थान जो है पूर्वा में ही है, क्योंकि हम लोगों का गांव पूर्वा लगता है और हम लोगों ने वहीं से शुरुआत की थी और हमारा ये मानना है कि नींव जहां से शुरू होती है वहीं पे रहनी चाहिए, और इसलिए इसका जो हेड है हमने पूर्वा में ही बना रखा है। आपके इस एनजीओ में टोटल मिला के कितने सदस्य हैं? जी, हमारे इस एनजीओ में टोटल अभी तक 240 सक्रिय सदस्य हैं और जिनमें से जो हमेशा एक्टिव रहते हैं 24 घंटे उसमें 70 हैं। अपने एनजीओ के लिए कहीं से कोई अनुदान राशि प्राप्त की है? नहीं, अभी तक तो हमारी कोई अनुदान राशि कहीं से भी नहीं आ रही है। जितने हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हीं के माध्यम से जब हम लोग कुछ भी प्रोग्राम करते हैं या कुछ भी हुआ तो हम लोग उन्हीं के माध्यम से अपना फंड इकट्ठा कर लेते हैं। आप लोग जितने भी युवा हैं आप फंड इकट्ठा करते हैं और उसी से आप लोग अपना काम करते हैं? जी जी बिल्कुल। कितने साल हो गए आपको ये एनजीओ चलाते हुए? ये एनजीओ हमारी 3 साल की हो गई है, 2019 में हमने इसकी स्थापना की है, जैसे मैंने आपको बताया 15 दिसंबर को। अभी तक आपने क्या क्या किया है? देखिए, अभी तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, कोविड टाइम जैसे ही हमने संगठन की स्थापना की उसके बाद कोविड आ गया था 2019 में, और कोविड टाइम पे हम लोगों ने गांव-गांव में घर-घर जा जाके हम लोग खुद से मास्क बनाते थे। जितने हमारे कार्यकर्ता थे सब आते थे अपने ऑफिस में बैठते थे एक जगह पे, खुद से मास्क बनाते थे और हर जगह गांव-गांव में जाके मास्क वितरण करते थे, सैनिटाइजर वितरण करते थे और लोगों को जागरूक करते थे कोरोना के तहत, ठीक है। और उसके बाद जब ये राहगीर चालू थे प्रवासी मजदूर, फिर उसके बाद हमने यही सुहागी बाईपास में ही राहगीरों के लिए भोजन वितरण कार्यक्रम शुरू किया था, तो अपना भोजन वितरण कार्यक्रम 2 हफ्ते चला था। ठीक है, अब हम आपके कार्यकर्ताओं से बात करना चाहेंगे। आप इस ग्रुप में कब से जुड़े हैं? हम जब से संगठन शुरू हुआ तभी से जुड़े हैं। पूर्वा के ही है? जी जी, पूर्वा का ही। आपके दिमाग में कुछ ऐसा होगा कि हम अपने संगठन को कैसे आगे ले जा सकते हैं? सबकी मदद करेंगे जहाँ तक रहेगा, फिर उसके बाद संगठन तो हमारा है, संगठन नहीं संगठन में काम करना है, तो संगठन आगे अपने आप चलेगा। अच्छे काम करना है, गरीबों को आगे करना, पढ़ाई लिखाई करना, जिसके पास नहीं है आर्थिक रूप से कमजोर है उसके ऊपर आगे जाना। मेरा नाम सूरज सिंह बघेल है, मैं संगठन का उपाध्यक्ष। हम लोग का एक उद्देश्य है कि हम लोग गरीब फौफीद परिवार जो है गए वो अपने गांव क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं, आसपास देखते आ रहे हैं कि बहुत फौफीद करते हैं गरीब लोगों, तो उनकी मदद करते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा संगठन अपने त्योंथर तहसील में ही नहीं, हम लोग एक दिन अपने रीवा जिला मध्य प्रदेश में अपने संगठन को ले जाएंगे और एक अच्छे कार्य के साथ ले जाएंगे, यही हमारा उद्देश्य है और हमारे पूरे संगठन के लोगों का उद्देश्य है। जी 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 बिल्कुल, हम हमारे साथ हमारे 70 सक्रिय सदस्य हैं जो कि 24 घंटे आप कहीं भी उनको बुला लीजिए, सक्रिय हैं, एनी टाइम वो पहुंचने के लिए तैयार रहते हैं
और आए दिन हम लोग ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा अपने बीच से फंड इकट्ठा करके अपने संगठन के में और छोटा छोटा कार्यक्रम भी करते रहते हैं। संगठन का ये रूल 18 साल से 60 साल की उम्र तक आप जो इच्छुक हैं वो हमारे संगठन में बिना किसी फीस के हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो भी लगता है वही सिर्फ लगेगा और जुड़ सकते हैं, कहीं के भी जो हों, अपने मध्य प्रदेश में कहीं के भी हों तो जुड़ सकते हैं हमारे संगठन से। नाम बताइए। मेरा नाम प्रांकुल सिंह परिहार है, हम सुहागी ग्राम पंचायत से निवास करते हैं जी। मैंने पढ़ाई की है, बीएससी पास आउट। तो आप अपने संगठन को किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे? हम अपने संगठन को जो हमारी मानसिक शारीरिक जो लगन है हम उस तरह अपने संगठन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने संगठन को इस मध्य प्रदेश में एक ऊंचे स्तर तक ले जाना चाहते हैं। इस जो भी मतलब त्योंथर तहसील में जो भी पंचायतें आ रही हैं, ऐसे नहीं कि मैं हम एक पंचायत को लेकर बैठे हैं कि इस पंचायत में हम काम करेंगे, त्योंथर पंचायत में रीवा डिस्ट्रिक्ट में जो भी जहां भी दिक्कतें प्रॉब्लम आएंगी इस संगठन द्वारा उसको सॉल्व किया जाएगा, लोगों को मदद की जाएगी। कोई भी काम हो छोटे से लेकर बड़े तक काम जितना हम लोग से हो सकेगा, ज्यादा बड़ा अभी संगठन तो नहीं हुआ है लेकिन हम लोग उम्मीद यही करते हैं जितना हम लोग सहयोग से हो सकेगा इस संगठन के थ्रू उतना हम लोग काम करेंगे, काम कोई भी हो। अब हम बात करने वाले हैं संगठन के संस्थापक जैसे दोबारा आएंगे सर, आप ये बताइए कि आपके संगठन में कॉस्ट तो लगा होगा, फिर कितना कॉस्ट आया होगा? देखिए स्टार्टिंग में तो हम लोग कॉस्ट कोई नहीं आया था, वैसे जब प्रोग्राम किए थे हम लोग छोटा सा जब स्थापना हुआ था उसका तब समथिंग कॉस्ट हम लोगों की उस टाइम पे आई थी 7,000 रुपए की, नॉर्मली एक कॉस्ट आई थी, ठीक है। और अभी हमने संगठन को अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, एक बीच में कोविड चल रहा था उसके बाद फिर संगठन में छोटे मोटे प्रोग्राम होते गए और हम लोग क्या है जैसे छोटे कार्यकर्ता है, कोई सब बेरोजगार है, युवा कुछ लोग हैं जो हमारे संगठन में पदाधिकारी हैं जो की फंडिंग देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम लोग छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहते थे। जैसे अभी हमने 12 अगस्त को पिछले दिन 12 अगस्त को हमने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली थी। तो हम लोगों का देखिए मेन उद्देश्य ये रहता है कि गरीब शोषित पीड़ित साथ साथ जो हमारे यहाँ के शहीद और फौजी परिवार हैं उनको हम लोग लेके चलते हैं। हमारे मझगवा में शहीद हुए थे वीरेंद्र कुशवाहा और मलिपार में एक अधीप शुक्ला जी हैं और गंगतीरा में है नारायण सोनकर जी। तो हम लोगों का मेन मोटिव ये था कि हम लोग तिरंगा यात्रा तो निकालेंगे ही क्योंकि केंद्र सरकार का आदेश हर घर तिरंगा अभियान के तहत, तो हम लोगों ने तिरंगा यात्रा तो निकाली थी लेकिन हम लोग जो हमारे शहीद भाई थे उनके यहाँ गए थे और उनके परिवार के लोगों का सम्मान किया था हम लोगों ने। तो तिरंगा यात्रा अपनी मझगवा से निकली थी मलिपार गंगतीरा होते हुए त्योंथर कॉलेज में हमने समापन किया था उसका। सुना है आपके इस त्योंथर क्षेत्र में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो निम्न स्तर की है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूलों में, हमने कई वीडियोज भी चलाए हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए गवर्नमेंट स्कूलों के बारे में तो हम जानते हैं जहाँ तक जो भी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही देखने को मिलती है। किस प्रकार की लापरवाही? लापरवाही इस प्रकार की रहती है कि शिक्षक हैं उनको समय पे मानदेय भी मिल रहा है लेकिन जो बड़े कद के अधिकारी हैं वो स्कूल में विजिट करने नहीं जाते हैं, और शिक्षक हैं वो अपना समय से 10 बजे जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं स्कूल लेकिन वो बैठे रहते हैं, जो इनकी इच्छा वही पढ़ाते हैं। प्लस जो हमारे यहाँ के गरीब परिवार के लोग हैं उनको पढ़ाई के बारे में जानकारी नहीं है, जैसे हम लोग अपने एरिया में जागरूक कर रहे हैं लोगों को लेकिन हर जगह जागरूक अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि छोटा सा संगठन है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं। आदिवासी परिवार हरिजन परिवार के जो लोग हैं बच्चे छोटे छोटे हैं वो पढ़ाई का महत्व नहीं समझ रहे हैं, उनको ये लगता है कि पढ़ाई एक तरह से हमारे लिए बोझ है और शिक्षक बेचारे मजबूर हैं। शिक्षक स्कूल जाते हैं 2-4 दिन वो जाते हैं बच्चों को बुलाने लेकिन 2-4 दिन के अलावा वो कितने दिन तक बुलाने जाएंगे, यहाँ तक कि उनके गार्जियन भी बोलने लगते हैं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा, खेत में जाएगा खेत काटने धान लगाने जाएगा लेकिन हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं गार्जियन की भी लापरवाही है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जितने हमारे हरिजन आदिवासी और शोषित दलित जितने भी लोग हैं वो शिक्षा पे ध्यान दें और अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। ऐसे निर्धन जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हैं? देखिए उनके लिए हम करना तो चाहते हैं लेकिन अभी हमारा संगठन जैसे हमने पहले भी आपको बताया है कि अभी हमारा संगठन उस हिसाब से नहीं कि हम किसी की आर्थिक स्थिति को जो है तो देख सकें, सहयोग कर सकें उसकी। शिक्षा के क्षेत्र की बात तो शिक्षा का क्षेत्र कहने का मतलब ये है कि हम उसको इतना कर सकते हैं कि अगर कोई इच्छुक है वो पढ़ना चाहता है तो अगर वो आएगा तो हमारे संगठन की तरफ से वो जहाँ तक पढ़ना चाहे और जो करना चाहते हैं वो कराया। देखा आप लोगों ने हमारे अध्यक्ष जी ने बोला है, बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही है और उम्मीद करते हैं कि इनका संगठन ऐसे ही चलता रहे और तरक्की करे।